हेलो द डेजर्ट स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। समाचार एक झलक में। द सिविल डिफेंस एम्बुलेंस अथॉरिटी एक घायल महिला को वादी शाब में चिकित्सा सहायता प्रदान करने में कामयाब रहे। सेक्रेटरिएट जनरल फॉर नेशनल सेलिब्रेशंस ने कहा है कि उन्होंने 51st नेशनल डे उत्सव के टेंडर्स निकाले हैं। इस टेंडर में साइट्स, आर्चेस और पेड़ों की सजावट का काम भी शामिल होगा। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में बहरीन 94वें स्थान पर पहुंच गया है। ये उनका एक दशक से अधिक समय के बाद का हाईएस्ट रैंक है। इंफॉर्मेशन और ई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बी अवेयर बहरीन एप्लीकेशन से संबंधित टेक्स्ट स्कैम्स की चेतावनी दी है। निवासियों और नागरिकों को सलाह दी गई है कि वह लिंक्स पर क्लिक ना करें, किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का कोई जवाब ना दें और सतर्क रहें। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रिपोर्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विशेष योग्यता के लिए जीसीसी में बहरीन पहले स्थान पर है। खतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने वर्षों से चले आ रहे विवाद के बाद सऊदी अरब के साथ संबंधों को अनुकूल करने के लिए सऊदी अरब में एक एम्बेसडर को नियुक्त किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-2022 शुक्रवार से शुरू हो गई है। उद्घाटन मैच में ब्रेंटफोर्ड ने आर्सेनल को 2-0 के स्कोर से हराया है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।